चढ़नी रोड स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पर भगवान भोलेनाथ का एक करीब 350 साल पुराना मंदिर है, जिसे बाबुलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर के अंदर आने से पहले एक छोटी सी सिक्योरिटी चेक होती है। आप जैसे ही सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करके मंदिर परिसर के अंदर आते हो तो आपको भगवान गणपति की एक बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलती है। यह मंदिर करीब 350 साल पुराना है और सातवें मंजिल पे स्थित है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आपको सातवें मंजिल तक जाना पड़ता है। सातवें मंजिल तक जाने के लिए या तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सीढ़ी पे चल के जा सकते हो। अगर कोई चल नहीं सकता तो उनको लिफ्ट तक ले जाने के लिए यहाँ पे ई रिक्शा की व्यवस्था है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो तो पर व्यक्ति आपको 1 रुपये देना पड़ता है। लिफ्ट से ऊपर आने के बाद आपको मुंबई का कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम ऊपर आ गए हैं और अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले आप यहाँ पे अपने जूते और चप्पल को जमा करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए भी आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फाइनली अभी हम बाबुलनाथ मंदिर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि ये मंदिर कितनी ही खूबसूरत है, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है इस मंदिर में। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मंदिर के खुलने का टाइम प्रातःकाल का 5 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक का है, तो इस बीच में कभी भी आप आके भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हो। दिन के 12:30 बजे के आसपास भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है, तो अगर आप 12:30 बजे के आसपास मंदिर पहुंचते हो तो आपको भगवान भोलेनाथ की आरती का भी अनुभूति मिल सकता है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको मंदिर को अंदर से पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा, तो हमारे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहें। मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के अलावा आपको तिरुपति बालाजी के भी दर्शन हो जाते हैं। मंदिर परिसर में जो कलाकृतियाँ की गई है वो काफ़ी उत्तम किस्म की है, जो मंदिर को काफ़ी आकर्षित बनाती है। तिरुपति बालाजी के अलावा इस मंदिर परिसर में आपको राधे कृष्ण की भी मूर्ति मिल जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ हमेशा इस मंदिर में बनी रहती है। तो अगर आप मुंबई में रहते हो या फिर मुंबई के बाहर रहते हो और मुंबई आने का प्लान करते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।